अपने पति पर हाथ ना छोड़ा करो, जैसा तू कर रही है ऐसा ना करा करो। भाभी मेरे पास आई थी अभी और ये भाग गई। हाँ भाई, क्या पूछ रही थी? जल्दी बताओ क्या पूछ रही थी अभी? भाभी पूछो तो सही। अमित बस सो के उठे थे अभी, देखो कंबल मुंह छुपा लिया। भाभी बताओ तो सही, क्या पूछने आए थे आप मेरे रूम में? बाथरूम कह रही है। बात अमित चुप रहो तो सही यार, यू कह रही है बाथरूम। कहा मैंने की बाथरूम, इधर देखो मुंह तो बाहर निकालो, स्वेटर में रुए हो रहे हैं भाभी। आपकी है। क्या क्या आपकी है, क्या नहीं वो तो ठीक है। क्या चाहिए आपको? बार थ्रो क्या होता है? वो जिसने पैन के आप करने वो किया था प्रैंक, वो वाला का है। तो हमारी भाभी जी बात कर रही है बाथरूम की बाथरूम मेरा बाथरोब क्या बोलते हैं? बाथरोब। हाँ अब बोलना बाथरोब। मैं कह रहा हूँ अभी विनय जाएगा, लीला बोल दो चुरा के लाएंगे। और क्या, हम सारे दोस्तों के घर में एक एक बाथरोब मिलेगा तुम्हें जरूर। लीला वीला का सब चुरा चुरा के ला रखे हैं। और तुम्हारा भाई अभी नहाया भी नहीं है, देखो कल वाले स्वेटर पहन रखा है। मेरे से ज्यादा तो आपके में रुए हो रहे। और ये है नया व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया हो गए, मजे हो गए। गुड मॉर्निंग, गुड वाली मॉर्निंग तो नहीं है भाभी। नहा लिया आप? 8 बजे नहा लिए। और क्या, आप ऐसे ही लगते हो, तुमसे बढ़िया तो अमित भैया। देखो ऐसा लग रहा है नहा धो के सो रहे हैं आराम से। मैंने 5 बजे नहला दिया था। मैं तो रात में ही नहा के सो गया था, इसीलिए रात के 4 बजे मैं पता ना लगे किसी को मैं कितनी बार नहाता हूँ। कब जा रही है? कल जा रहे हो आप? नहीं जा रही है। अरे चले जाओ ना। ना जाऊं? अरे जाओ ना, जाऊं बोर करते रहते हो। खाओ खाओ, मेरे को सेंटा बना दो। सेंटा बनना है? बनाओ भाई, ने सेंटा बनाओ। इतनी लंबी ड्रेस तो ढूंढ। तो सिलन में भी टाइम लगेगा। अब कहां से आएगी 7 फुट की ड्रेस, बताना जरा। 7 फुट की ना हूं मैं। हाँ लोग मेरी हाइट पूछे है इंस्टा पे, तो मेरी हाइट है 5'9" 5'9" समझ आ गई। 6'9" है? 6'9" 5'9" सेंटा बना के ना घुमाएंगे मॉल वॉल में। बता तो दो किससे, क्या कह रहे हो आप, क्या चाहिए? बाथरो के आगे ब तो बोल दो। बाथरो बार बार पीछे पड़े जा रहे, कमरे से बाहर जा रहे हो। बाथरो कहाँ है? बाथरो बी साइलेंट हो रहा है। ये बोल रहा कि मुझसे बोला नहीं था। अंदर इनकी कमर में घुसा देना है। और ये देखो पता नहीं क्या क्या लगाती है, देखो बाथरूम, ये देखो ग्लो टोनर स्ट्रीक का पता नहीं क्या। और हम लड़के क्या लगाते हैं, मुंह धोते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं लगाते। और वो भी साबुन से धो लेता हूँ मैं तो, अगर फेस वॉश वगैरह नहीं, साबुन से यूं रगड़ो बुरी तरह नहाते टाइम, वो भी अलग से नहीं। और चलो घूमने, मेरी तो क्रीम भी खत्म होगी। ये देखो क्रीम, कौन सी क्रीम है ये? अमित भैया के भी लगाते हो आप? अमित भैया की तो दूसरी मंगा रखी। तभी चेहरे पे ग्लो आ रहा है लड़के के। ओम फो क्या लगा लेना बालों में। ये देखो क्या कर रही है, मम्मी लुगाई बनाऊ। ये लो जी क्लिप लगा दी मेरे बालों में, कितना अच्छा काम कर दिया है। बे यार निकल गई, ये लो पकड़ो। तुम्हारा भाई आ चुका है नहा धो के। और थैंक यू सो मच यार इतना सारा प्यार देने के लिए व्लॉग्स के लिए। और मुझे जुकाम हो रहा था भाई साहब, इतनी सारी दवाइयां लिख दी भाइयों ने, एजिथ्रोमाइसिन, सिनारिस्ट भाई वो ले लो, सिट्राजिन ले लो, पता नहीं कौन कौन सी। हमारे घर आ जाओ, इसका पूरा वो है इलाज है। हाँ ये भी थे, सही कह रही है भाभी कि घर आ जाओ पूरा इलाज है। और कोई कह रहा ओल्ड मॉन्ग के पैग मार लो, रम मार लो बिना भाई 2 पैग गर्म पानी से। तो मैं ऑट्रिविन और 1-2 मेडिसिन ले आया था, कोल्ड को आराम है अब। और थैंक यू यार तुम इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो व्लॉग्स को यार, ऐसे ही प्यार बनाए रखना। और तुम्हें कोई मतलब अच्छी चीज लगती है ना व्लॉग्स में वो भी कॉमेंट में बताया करो, कोई बुरी चीज लगती है वो भी कॉमेंट में बताया करो, कि और कुछ देखना चाहते हो कि अरे विनय भाई इस तरीके का कंटेंट बनाओ, या चलो आज इस जगह चले जाओ कुछ दिल्ली में या दिल्ली NCR में, ऐसे भी बता सकते हो आप, तो सजेस्ट कर दिया करो, अच्छा लगता है मैं भी। और यहाँ देखो आज हो रही है मेहनत, जिंदगी में पहली बार। ओहो जिंदगी में पहली बार। क्या बन रहा है? सैंडविच। यहाँ बन रहा है गर्मा गर्म सैंडविच। ये देखो ये पनीर है, इसमें प्याज टमाटर मिला दिए। भाभी ये क्या है? रायता है। बथुए का? बथुए का रायता? अरे मेरे दुआ घोट ले तो। अच्छा देसी तरीके से ही रायता बनाया आज भी?
देखो आज भी वैसी देसी तरीके से रायता बनाया भाभी ने, कंडी वाला, इफ यू रिमेम्बर। इसके अंदर धुआं कर रखा है इसका, अब ये पलट देंगे एकदम से। कंडी ले लो, हाथ में रख लो, लो हाथ में रख दो, गर्म नहीं है? वैसे बन चुका, लो और ही लाइट। इसका हैंडल कहाँ गया ये बता दो बस मुझे। हैंडल नहीं है, मैंने तो देखा ही ना जब तक मैं इस घर में आई हूँ। मैंने हैंडल लेना, जब से भाभी घर में आई है ना चीजें तोड़ देती है, उसके बाद यूँ कहती है जब से मैं आई हूँ तब से तो था नहीं। झूठ कितनी बोल रहे हैं। और भाभी को हम सेंटा बनाएंगे क्योंकि क्रिसमस आ गया है। कौन कौन खाएगा ये? देखो कैसे कटिंग हो रही है सैंडविच की, सब पूरा पनीर डाल के बनाया है। लो ओहो भाभी तो देखने में बड़ा स्वाद लग रहा है, देना यार एक पीस। सॉस लोगे? सॉस पॉस नहीं लेते हम, ऐसे ही खाते हैं। गरम है, मुंह जल जाएगा। अरे गरम है, अरे हमारा ना जलता मुंह, गरम वरम से बढ़िया लग रहा भाई। अभी फिलहाल मैं जिम में जा रहा हूँ, और अभी तो एक बनेगा दोबारा, बारी बारी से बनते हैं। पहले जब मैं जिम जा रहा था ना तो ये कह लो रोज खाया करता था पनीर के सैंडविच, कभी कुछ कभी कुछ, एकदम बढ़िया डाइट कर रखी थी मैंने, वेजिटेबल सैलेड वैलेड भाभी सब खाता था। अब स्टार्ट करूंगा जिम जाना ना, फिर तुम्हारा भाई वापस से एकदम बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट भी आ रहे थे कि विनय भाई आपका फेस भी मोटा सा लग रहा है। करते हैं जिम स्टार्ट। सुबह उठा तो जाता ना, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? उठा तो जाता ना सुबह, तो क्या करेंगे सुबह उठ के? क्या हो गया? हो अरे ये भी पिघल जाएगा भाभी, ये भी पिघल जाएगा पिन्नी में। ये देखो कंडी भाभी ने डाल दी थी इसमें पन्नी में, और ये देखो छेद। ऐस किसी दिन घर में आग मत लगवा देना तू। मैं क्यों कह रही हूँ, धुआं ना आता आ रहा है। कंडी तो बुझी हुई डाली, देखो बाहर जल गई के, ऐसी हरकत है इनकी। ये पानी में भिगो दो एक बार। अरे उधर को ले लो ना इसे। अरे यहाँ क्या गल रही है। और मम्मी जी बात कर रही है फोन पे, कौन है? रिंकी दीदी। हाँ रिंकी दीदी, क्या हाल है? बढ़िया। क्या हो रहा है आजकल? बस बढ़िया हो रहा है। तू ये बता भाभी कैसे नाराज करते रहे हो तुम? नाराज करते रहता हूँ भाभी को, अमित भाई करते रहते हैं। बेचारे को मोमोज भी खमाए सामने भैया। वही तो, व्लॉग देखा होगा। हाँ। अभी मैं और अमित भाई जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर कुछ सामान लेने। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले पल। हम लेने पहुंच गए सेंटा की ड्रेस, लगाओ ये तो आ जाएगा, हम तो आ जाएगा। अरे डन डन डन। अरे हमारे दीपक पांचाल दोस्त मिले हमें, क्या ले? बहुत बढ़िया। ये देख रहा सेंटा की ड्रेस, मैं पहन लेता हूँ। हाँ तू पहन ले भाई, यही करियो तू। और मैं बालक की तो हूँ अभी, मेरी उम्र है ही कितनी, 16 साल ही तो है। देखो यहाँ पे गैस एजेंसी है और इतनी भीड़ हो रही है, देखो जैसे पता नहीं फ्री में सिलेंडर बट रहे हैं। पूछो एक बार दीपक किसी से पूछो क्या हो रहा है। मैं भी तो लेने आया हूँ सिलेंडर, लेने आया तू? ये लो जिंगल बेल जिंगल बेल। भाभी की ड्रेस आ चुकी है जिंगल बेल की, और अभी हो रही है डिनर की तैयारी। क्या बन रहा भाभी डिनर में? है हरा साग। हरा साग, कल तो कोई सेंटा बनेगा भाई, हमारे घर में हरा साग बनता रहता है बस, जब देखो इसके अलावा दूसरी सब्जी नहीं बनती। बन रहा है। लेकिन हरा साग बढ़िया भी होता है हेल्थ के लिए, मतलब ठंड में तो वैसे भी फायदा करता है। अरे मम्मी मैं मारा ना वो सही में, मम्मी मारा था इतनी जोर से मारा था। तू समझदार है, तू बालक ना है 14-15 साल की। सुनो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। अब ये आपस में बहस तो कर रहे थे, ये जा रही थी बाथरूम और अमित भागे पीछे पीछे पकड़ने को, जाके देखा और इन्होंने मम्मी हाथ से धक्का सा दिया, तो वो ऐसा लग रहा बस। हाथ दिखाना अपने, हाथ दिखाना, यही है मम्मी लंबी लंबी उंगली जो यूं करती थी, दूर हो जाओ मुझसे। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, टन टन, और अपना सेंटा तैयार है ये देखो। चलो डांस करो जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल आलाए। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सेंटा चल रहा है चॉकलेट लेके टॉफी लेके अपनी। साथ में सेंटा जी चल रहे हैं, ये मेल सेंटा है और वो फीमेल सेंटा बॉडीगार्ड। अच्छा सेंटा का बॉडीगार्ड चल रहा है भाई साथ में। अबे गिर दी ना टोपी नीचे। दुनिया के सेंटा लोगों को गिफ्ट देते हैं टॉफी देते हैं, हमारा सेंटा कह रहा है मैकडी का बर्गर खाऊंगा। है वे चॉकलेट तो ले ही आया सेंटे, बाकी हमारे सेंटा ने पल्स टॉफी भी ले ली है, कह रहा पल्स टॉफी खिलाऊंगा बच्चों को। हाँ भाई 7 फुट 8 सेंटा। मॉल के अंदर भीड़ देखो आज, ये देखो ऐसा लग रहा है सोम बाजार में आ गए, ऐसा ही लग रहा है सोम बाजार में आ गए। यहाँ देखो इन्होंने कितना सुंदर ट्री लगा रखा है, अगर मेरी आवाज आ रही है तो सुंदर है। हाँ मतलब ठीक है जैसा भी, सुंदर नहीं है ये। चाह रही इनकी फोटो आ जाए पर इन्हें मौका नहीं मिल रहा। अच्छा
ये देखो दोनों कितने प्यारे प्यारे पोज कर रहे हैं। हाँ ये देखो कितना प्यारा सेंटा। यार मॉल में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी आज, क्रिसमस है ना तो लोगों की छुट्टी है, बहुत ज्यादा भीड़ थी आज तो हम बाहर ही आ गए। मैंने कहा यार क्या करेंगे इतनी भीड़ में, ना कुछ खाने का मन करता है ऐसे में, कौन जाए इतनी भीड़ में लाइन में लगो। मैं इससे ये पूछ रही हूँ फोन पे ले रहा है क्या करना। सेंटा क्लॉस सेंटा क्लॉस। भाई वाह, हम आ चुके हैं अब घर और आप सभी को तुलसी पूजन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी को मैरी क्रिसमस भी। इसके साथ ही व्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को और साथ के साथ भाई सब्सक्राइब कर देना। अरे यार मैं कुछ बोल रहा था, आज महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है तो उनको भी सत सत नमन। आज महाराजा सूरजमल का भी बलिदान दिवस है तो उनको भी मेरी तरफ से सत सत नमन और इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं और सारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? राम राम जी।